सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जो कि एश ग्रेनिंजा को हरा सकते हैं। तो ग्रेनिंजा को जो नॉर्मल फॉर्म है उसको नॉर्मल फॉर्म में तो फिर भी चलो कोई हरा देगा, लेकिन यार जब वो आता है अपने बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में, यानी कि जब वो बनता है एश ग्रेनिंजा, तब यार उसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो यार ऐसे बहुत कम ही पोकेमोन है जो कि एश ग्रेनिंजा को हरा सकते हैं या फिर उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। तो उन्हीं पोकेमोन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और यार मैं इस लिस्ट में कोई भी लेजेंडरी या मिथिकल को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि यार तुमको पता है अगर मैंने उनको इंक्लूड किया तो लिस्ट थोड़ी अनफेयर हो जाएगी। तो यार वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, पूरे एंड तक जरूर देखना बिना किसी तरीके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर जो पोकेमोन आता है वो है सेप्टाइल। तो सेप्टाइल एक ग्रास टाइप का पोकेमोन है, तो तुम समझ सकते हो सेप्टाइल को टाइप एडवांटेज है ग्रेनिंजा के अगेंस्ट। और सेप्टाइल जो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रास टाइप पोकेमोन है, उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रास टाइप मूव्स भी हैं जैसे कि लीफ ब्लेड, सोलर बीम, जिनसे कि यार वो आसानी से एक वाटर टाइप पोकेमोन के ऊपर हावी पड़ सकता है। और गाइस तुमको पता होगा एश ग्रेनिंजा की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा है, तो उसकी टक्कर के लिए सेप्टाइल की स्पीड उससे भी ज्यादा है, 145 स्पीड है सेप्टाइल की। और गाइस सेप्टाइल के स्टैट्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, और उसके पास एक मेगा इवोल्यूशन फॉर्म भी है, और जब वो मेगा इवॉल्व हो जाता है तब उसके स्टैट्स ऑलमोस्ट एश ग्रेनिंजा इतने ही हो जाते हैं। और गाइस मेगा इवॉल्व होने के बाद इसकी जो स्पेशल अटैक की पावर रहती है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि गाइस अगर सेप्टाइल जब अपनी पूरी ताकत से हमला करे तो यार वो हरा सकता है एश ग्रेनिंजा को। और गाइस इसके अलावा यार एश ग्रेनिंजा के पास सिर्फ एक ही अटैक रहेगा जो कि सुपर इफेक्टिव रहेगा सेप्टाइल के अगेंस्ट, जो कि है एरियल एस। और गाइस जैसे मैंने तुमको बताया कि सेप्टाइल की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा रहती है, तो अगर वो कोशिश करे तो वह ग्रेनिंजा के ज्यादातर मूव्स डॉज कर सकता है। और गाइस मुझे पता है बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार एश ग्रेनिंजा ने तो मेगा सेप्टाइल को एनिमे में हरा रखा है, फिर यार मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यार सेप्टाइल जो है वो एश ग्रेनिंजा को हरा सकता है। तो यार देखो एश ग्रेनिंजा ने जिस सेप्टाइल को हराया था वो तो सॉयर का सेप्टाइल, और मेरे हिसाब से सॉयर का सेप्टाइल कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेप्टाइल देखे हैं एनिमे में, और खासकर एश का सेप्टाइल जो कि यार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यार अगर कोई ऐसा ट्रेनर हो जिसका सेप्टाइल जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेंड हो, जैसे कि हैरिसन का सेप्टाइल या फिर एश का सेप्टाइल, ऐसा कोई यार एक मतलब अच्छे से ट्रेंड सेप्टाइल हो, तो यार वो अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो यार मेरे हिसाब से वो एश ग्रेनिंजा को हरा सकता है। वो तो यार सॉयर का सेप्टाइल था जो कि इतना कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं था, इस वजह से यार एश ग्रेनिंजा ने उसको हरा दिया था। लेकिन अगर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सेप्टाइल जो कि यार बहुत अच्छा ट्रेंड हो, तो यार मेरे हिसाब से वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा तो वो एश ग्रेनिंजा को हरा सकता है। तो गाइस नंबर 4 पर आता है स्वैम्पट। तो गाइस स्वैम्पट एक वाटर और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है, और यार भले इसकी एक टाइप ग्राउंड है लेकिन यार फिर भी इस पर वाटर टाइप मूव्स का कुछ खास इफेक्ट होता नहीं है। इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ग्रास टाइप मूव्स का, और यार एश ग्रेनिंजा को तो यार ग्रास टाइप मूव्स तो यार ऑब्वियसली उसको आएंगे ही नहीं। और गाइस स्वैम्पट के पास मेगा एवोल्यूशन भी है, और उसका जो नॉर्मल फॉर्म है यार उसमें तो स्वैम्पट जो है वो कुछ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यार जब ये मेगा इवॉल्व होता है तब इसका अटैक डिफेंस सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इसकी स्पीड थोड़ी कम है लेकिन यार फिर भी इसके अटैक और डिफेंस दोनों बहुत ज्यादा है, और इसे फाइटिंग टाइप मूव्स भी आते हैं काफी स्ट्रॉन्ग हैमर आर्म जैसा फाइटिंग टाइप मूव इतना स्ट्रॉन्ग। और गाइस ग्रेनिंजा की एक टाइपिंग डार्क टाइप है, तो यार उस पर कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग सा फाइटिंग टाइप मूव यूज करो तो यार वो हार सकता है। और गाइस हैमर आर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप मूव है, तो यार एश ग्रेनिंजा जो है उसको ये 2-3 बार अटैक लग गया तो यार वो हार सकता है। और वहीं यार दूसरी तरफ एश ग्रेनिंजा के पास कोई भी ऐसा सुपर इफेक्टिव मूव नहीं रहेगा जिससे कि यार वो स्वैम्पट को हरा सकेगा। और गाइस भले उसकी एक टाइपिंग ग्राउंड टाइप है स्वैम्पट की, लेकिन फिर भी वाटर टाइप मूव उस पर उतने कुछ खास इफेक्ट नहीं करते हैं। और ऊपर से गाइस मेगा स्वैम्पट का डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, तो यार उस पर कोई भी हमला करो तो उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा भी नहीं। और गाइस मेगा स्वैम्पट की अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ यार एश ग्रेनिंजा का डिफेंस बहुत ज्यादा कम है, तो गाइस मेरे हिसाब से अगर मेगा स्वैम्पट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो यार वो अच्छी खासी टक्कर तो दे ही सकता है एश ग्रेनिंजा को, और शायद से हरा भी सकता है। तो यार अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर जो पोकेमोन आता है वो है गारचोंप। तो गाइस गारचोंप एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है, और हाँ यार एक ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है तो तुम समझ सकते हो यार कि एश ग्रेनिंजा को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, टाइप एडवांटेज है इसके अगेंस्ट। लेकिन मेरे को फिर भी ऐसा लगता है कि जो गारचोंप है वो डिफीट कर सकता है एश ग्रेनिंजा को। तो ऐसा मुझे क्यों लगता है, मैं तुमको पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, गाइस गारचोंप हम सबको पता है यार वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है, और क्योंकि वो सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है तुमको पता होगा इसके स्टैट्स 600 है, और यार गारचोंप के पास एक मेगा एवोल्यूशन फॉर्म भी है, और जब वो मेगा इवॉल्व होता है तब उसके स्टैट्स हो जाते हैं 700, यानी कि गाइस एश ग्रेनिंजा से भी 60 ज्यादा। और यार देखो एश ग्रेनिंजा के पास भले ही टाइप एडवांटेज है, लेकिन यार फिर भी गारचोंप जो है उसके पास एक क्रंच मूव रहता है, और क्रंच जो है वो एक डार्क टाइप मूव है, और यार तुमको पता होगा डार्क टाइप जो है वो डार्क टाइप पर सुपर इफेक्टिव होता है। और ये इसके अलावा मेगा गारचोंप का डिफेंस बहुत ज्यादा होता है, तो यार एश ग्रेनिंजा जो वो कितने भी स्ट्रॉन्ग मूव्स यूज कर ले फिर भी यार मेगा गारचोंप को कम ही इफेक्ट पड़ेगा। और यार इसके अलावा उसकी अटैकिंग पावर जो है बहुत ज्यादा होती है, तो यार वो किसी भी पोकेमोन को 2-3 हमले में ही हरा सकता है। और दूसरी तरफ गाइस एश ग्रेनिंजा की अटैकिंग पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी डिफेंस जो है वो काफी ज्यादा कम है। तो अगर जो गारचोंप है मेगा गारचोंप, उसने अपनी पूरी ताकत से यार 2-3 बार क्रंच यूज कर दिया ग्रेनिंजा पर,
पर ग्रेनिंजा जो है वो हार सकता है। और गाइस एस ग्रेनिंजा जो है वो कोई फिजिकल मूव भी नहीं यूज कर सकता है मेगा गार्चोम पर, क्योंकि यार मेगा गार्चोम के पास एक एबिलिटी रहती है रफ स्किन। तो इस एबिलिटी की वजह से अगर मेगा गार्चोम पर एस ग्रेनिंजा ने फिजिकल मूव यूज किया तो यार एस ग्रेनिंजा को यार इससे काफी ज्यादा हर्ट होगा। तो यार इसमें एस ग्रेनिंजा के पास भी यार सुपर इफेक्टिव वाटर टाइप मूव रहेंगे यार गार्चोम के अगेंस्ट, और गार्चोम के पास भी क्रंच रहेगा जो कि सुपर इफेक्टिव रहेगा एस ग्रेनिंजा के अगेंस्ट। यार गार्चोम की डिफेंस पावर और अटैक पावर दोनों ही बहुत ज्यादा है, और दूसरी तरफ यार एस ग्रेनिंजा की डिफेंस पावर काफी कम है यार, भले अटैक पावर बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लग रहा है गार्चोम जो अपनी पूरी ताकत से हमले यूज करे तो यार मेरे हिसाब से वो एस ग्रेनिंजा को हरा सकता है, या फिर इन दोनों का जो मैच है वो टाई भी हो सकता है। तो यार अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो गाइस नंबर 2 पर जो पोकेमॉन आता है वो है ब्लेजिकन। तो यार ब्लेजिकन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है, और गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन जो है वो ड्यूल टाइप के पोकेमॉन है। तो इन दोनों ही पोकेमॉन्स की एक टाइपिंग सुपर इफेक्टिव है सामने वाले पोकेमॉन के अगेंस्ट, और एक है सुपर वीक। यानी कि गाइस एस ग्रेनिंजा की वाटर टाइप सुपर इफेक्टिव है ब्लेजिकन की फायर टाइप के अगेंस्ट, और ब्लेजिकन की फाइटिंग टाइप सुपर इफेक्टिव है एस ग्रेनिंजा की डार्क टाइप के अगेंस्ट। यानी कि इस पूरे मैच में यार ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी पड़ेंगे, क्योंकि ग्रेनिंजा के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप के मूव्स हैं जिनसे कि यार वो ब्लेजिकन के ऊपर काफी ज्यादा हावी पड़ सकता है। और दूसरी तरफ गाइस ब्लेजिकन के पास भी काफी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप के मूव्स हैं, तो वो भी ग्रेनिंजा को काफी अच्छी फाइट दे सकता है। और यार जो ब्लेजिकन होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको एनिमे भी देखने मिले हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक ब्लेजिकन था यार हैरिसन का, जिसने कि यार एश के इतने तगड़े इतने स्ट्रॉन्ग चार्जर को हरा दिया था, और यार चार्जर तब चार्जिफिक वैली से ट्रेनिंग लेके आया था, और उसके बावजूद भी ब्लेजिकन ने हरा दिया था एश के चार्जर को। और एक मे के पास भी हमने यार ब्लेजिकन देखा है एनिमे में, और यार उसका ब्लेजिकन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तुम समझ सकते हो यार इवॉल्व होने के बाद ही पहले ही मैच में उसने इतने स्ट्रॉन्ग एश के सेप्टाइल के साथ मैच को टाई किया था। तो यार इन सब चीजों से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ब्लेजिकन होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं यार, तभी तो सोचो यार उसने एश के इतने स्ट्रॉन्ग चार्जर और एश के इतने स्ट्रॉन्ग सेप्टाइल को हरा दिया। तो इससे तुम समझ सकते हो ब्लेजिकन होते ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुम ही सोचो उसने अपने नॉर्मल फॉर्म में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हरा दिया, तो यार ब्लेजिकन के पास तो एक मेगा एवोल्यूशन भी है, तो यार अगर वो मेगा इवॉल्व हो जाए तो यार ये मैच बहुत ज्यादा गजब हो जाएगी एश ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा ब्लेजिकन की। और यार मेगा ब्लेजिकन का जो अटैक पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो यार ग्रेनिंजा पर काफी ज्यादा इफेक्ट होगा उसके अटैक्स का। और गाइस मैंने तुमको इतनी बार इस वीडियो में बता दिया है कि यार एश ग्रेनिंजा का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा कम है, तो उस पर कोई भी पोकेमॉन अगर पूरी ताकत से अपना एक सुपर इफेक्टिव मूव यूज करे तो यार एश ग्रेनिंजा के हारने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो यार इन सब पॉइंट्स की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ब्लेजिकन है वो एश ग्रेनिंजा को हरा सकता है बैटल में, या फिर अगर हरा नहीं पाएगा तो यार मैच एटलीस्ट ड्रॉ तो कर ही देगा, इतना तो स्ट्रॉन्ग है मेगा ब्लेजिकन। और यार एश ग्रेनिंजा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, तो अगर कोई पोकेमॉन के साथ मैच ड्रॉ ही कर लेना तो यार वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो यार नंबर 1 पर जो पोकेमॉन आता है वो है, वैसे टाइम पास करने की जरूरत नहीं यार, मेरे को पता है तुम सबने गेस कर ही लिया होगा। तो नंबर 1 पर आता है चार्जार्ड। गाइस चार्जार्ड की ताकत का अंदाजा तो तुम सबको होगा यार, तो गाइस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार चार्जार्ड जो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम सबको पता है यार अगर एक चार्जार्ड को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, जैसे कि एश ने दी थी, रेड ने दी थी, अलान ने दी थी, तो यार एक चार्जार्ड जो है वो लेजेंडरी पोकेमॉन तक को हरा सकता है। रेड के चार्जार्ड ने भी यार एक म्यूटू को हरा दिया, तो तुम समझ सकते हो चार्जार्ड को अगर अच्छी ट्रेनिंग दो तो यार चार्जार्ड लेजेंडरी तक को हरा सकता है। और एश के चार्जार्ड ने भी हराया था यार, तुम सबको पता है आर्टिगोनो को हराया था यार एश के चार्जार्ड, तुम सबको याद होगा। और जैसे अलान का चार्जार्ड तो तुमको याद ही होगा यार, वो तो थकता तक नहीं था भाई, एक ही बार में इतने इतने मैचेस कर लेता था यार, मतलब थकता ही नहीं था बिल्कुल भी। अलान को अपने पोकेमॉन स्विच करने की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। और जैसे चार्जार्ड नॉर्मल फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो तुम समझ जाओ जब ये मेगा इवॉल्व होते हैं तब तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जैसे पोकेमॉन एक्स वाई जेड की वो फाइट तो यार सबने ही देखी होगी, मेगा चार्जार्ड एक्स वर्सेस एश ग्रेनिंजा, और जैसे वो मैच बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है, और आखिर में मेगा चार्जार्ड एक्स एश ग्रेनिंजा को हरा देता है। लेकिन यार ये भी बात थी कि यार एश ग्रेनिंजा जो था वो काफी ज्यादा थक गया था, इसी वजह से वो हार गया था चार्जार्ड से। और जैसे एक बार अलान के चार्जर ने दो दो बार हरा रखा है एश ग्रेनिंजा को, तो गाइस इससे तुम समझ सकते हो अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाए एक चार्जर को तो यार वो हरा सकता है एश ग्रेनिंजा को अगर एक स्ट्रॉन्ग चार्जर हो तो। तो गाइस यही है वो 5 पोकेमॉन जो कि हरा सकते हैं एश ग्रेनिंजा को। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर थोड़े टाइम और यार पोकेमॉन को अपनी रहने दिया होता ग्रेनिंजा को एश के साथ, तो यार वो एश और ग्रेनिंजा जो है वो और ज्यादा ट्रेनिंग कर सकते थे, बॉन्ड एवोल्यूशन की और प्रैक्टिस कर सकते थे अच्छे से, जिससे एश ग्रेनिंजा जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता। लेकिन यार पोकेमॉन कंपनी को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने रिलीज करवा दिया। मुझे लगता है अगर ग्रेनिंजा जो है वो एश के पास थोड़े टाइम और रहता और वो लोग और ट्रेनिंग करते इस बॉन्ड एवोल्यूशन की, तो शायद यार वो लोग एकदम बेस्ट बन जाते इसमें, तब यार इनमें से कोई भी पोकेमॉन मेरे हिसाब से एश ग्रेनिंजा को नहीं हरा पाता। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी, और यार ये रहे पिछले वीडियो के पोके क्विज विनर्स, और अब आते हैं आज की पोके क्विज के ऊपर। तो गाइस हमारी आज की पोके क्विज ये है कि यार कैलोस सीजन की जो ईविल टीम है टीम फ्लेयर, उसके लीडर का नाम क्या है वो तुमको बताना है। तो यार जिसको भी पता जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं टॉप 6 का कमेंट लूंगा अगली वीडियो में। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा देना। और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।